कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़े मेंटल असाइलम को देखते हैं और इस मेंटल असाइलम की जिम्मेदारी है डॉक्टर खुराना के ऊपर। उनके मर्जी के बिना इस असाइलम में कोई भी डिसीशन नहीं लिया जाता है और डॉक्टर खुराना के साथ और दो मेन डॉक्टर है, डॉक्टर सुनील और डॉक्टर तन्वी। और डॉक्टर तन्वी डॉक्टर खुराना के ही बेटी है। और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि डॉक्टर तन्वी पेशेंट्स के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है। हालांकि उसके पापा डॉक्टर खुराना मेंटल पेशेंट्स के साथ हमेशा सख्ती दिखाते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे ही पेशेंट के साथ ट्रीट करना चाहिए, लेकिन तन्वी ऐसा नहीं मानती थी। इसलिए वो अपने पापा के इस ट्रीटमेंट के मेथड को फॉलो नहीं करती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर तन्वी 36 नंबर के एक पेशेंट को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था और तन्वी ने उन्हें अपने माँ की तरह देखभाल किया और धीरे धीरे वो ठीक होते गए। लेकिन वो जब पूरी तरीके से ठीक हो गए और घर लौटने वाले थे, उस वक्त उन्होंने तन्वी को पहचानने के लिए भी इनकार कर दिया और इस बात से तन्वी को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। और फिर वो ये डिसीशन लेती है कि इसके बाद से वो कभी भी किसी पेशेंट के साथ इतना लगाव नहीं रखेगी और उन्हें सिर्फ एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट करेगी। और इस इंसिडेंट के बाद से ही तन्वी का 36 इस नंबर से भी थोड़ी नफरत होती है। इसके बाद हम देखते हैं आनंद नाम के एक आदमी को, जिसका बड़ा भाई उसे इस मेंटल असाइलम में लेकर आता है। दरअसल आनंद के ऊपर एक मर्डर का केस है, लेकिन कोर्ट में ये साबित किया गया है कि आनंद का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर से आनंद को इस असाइलम में भेजा गया है। और इसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स आनंद की एक इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेते वक्त उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आया था कि आनंद को ये लोग मेंटली अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं। और डॉक्टर्स आनंद को यहाँ पर एडमिट करने से भी मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि आनंद बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि आनंद एक मक्खी देखता है और इस मक्खी को देखकर वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है और किसी भी तरीके से इस मक्खी को मारना चाहता था और इसीलिए वो पूरा हॉस्पिटल तहस नहस करने लगता है। और ये देखकर डॉक्टर्स को समझ में आता है कि आनंद सचमुच मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके बाद ही आनंद को यहाँ पर एडमिट कर लिया जाता है और आनंद यहाँ के 36 नंबर पेशेंट बनता है। और इसके बाद आनंद यहाँ के और कुछ पेशेंट्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। और इसके बाद डॉक्टर सुनील आनंद को यहाँ पर देखते हैं और वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर सुनील आनंद के गांव में ही रहते थे। दरअसल आनंद एक बहुत ही बड़े घर का बेटा है और आनंद के पिता एक बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने सुनील की मेडिकल पढ़ाई में उसकी बहुत ही हेल्प किया था और वो उसे पढ़ने के लिए पैसे दिया करते थे। और आनंद जब छोटा था तब सुनील के साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और उन दोनों का रिश्ता भी बहुत ही गहरा था। और अब इतने सालों बाद उसी आनंद को ऐसे हालत में देखकर डॉक्टर सुनील बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और इसीलिए सुनील आनंद का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनंद बहुत ही शरारती था और वो बाकी पेशेंट्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल में हर रोज़ कुछ नया कारनामा किया करता था और इस बात से डॉक्टर तन्वी और डॉक्टर खुराना दोनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और तन्वी जब देखती है कि आनंद पेशेंट नंबर 36 से, तो वो आनंद से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगती है। इसके बाद एक दिन तन्वी आनंद को एक्सरसाइज के टाइम पर दूसरों को तंग करते हुए देखती है, इसीलिए वो आनंद को पनिशमेंट के रूप में हॉस्पिटल का एक वार्ड साफ करने का काम देती है। लेकिन आनंद उस जगह को साफ करने के बदले उस पूरे जगह को तहस नहस कर देता है। और जब डॉक्टर खुराना ये बात देखते हैं तो वो आनंद पर बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो आनंद को डांटने लगते हैं। तभी आनंद डॉक्टर खुराना के ऊपर एक मक्खी को बैठा हुआ देखता है और वो उस मक्खी को मारता है, जिसके वजह से डॉक्टर खुराना के ऊपर भी एक थप्पड़ पड़ता है। और इस बात से डॉक्टर खुराना काफ़ी नाराज हो जाते हैं और आनंद को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ आनंद कभी कभी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए चोरी छुपके एसएलएम के बाहर जाता था और ऐसा करने के लिए वो यहाँ के एक गार्ड को पैसा देता था। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और एक दिन आनंद और वो गार्ड पकड़ा गया
और उस गार्ड की नौकरी चली जाती है और आनंद को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन सुनील को जब ये पता चलता है तब वो ऐसा होने नहीं देता और वो आनंद को अपने साथ लेकर जाता है। और डॉक्टर खुराना ये बात देखते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाद में डॉक्टर खुराना सुनील से इस बारे में बात करते हैं और सुनील अपने और आनंद के रिश्ते के बारे में डॉक्टर खुराना को कहता है। दूसरी तरफ तन्वी आनंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सुनील ये बात जानता था। लेकिन इसके बाद एक दिन सुनील तन्वी से बात करता है और उसे आनंद की एक डायरी देता है जो कि सुनील को आनंद के सामानों में से मिला था। इसके बाद तन्वी उस डायरी को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि आनंद एक म्यूजिशियन है और वो माया नाम की एक लड़की से प्यार करता था। लेकिन माया एक अनाथ थी और वो बचपन से ही एक ऑर्फेनेज में पली बड़ी है और वो एक नन बनना चाहती थी, इसलिए वो आनंद को इग्नोर किया करती थी। लेकिन आनंद भी हार नहीं मानता है और वो किसी न किसी तरीके से माया से मिलता है और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक दिन आनंद माया के सामने खुद की जान लेने का नाटक करता है और वो अपने आसपास आग लगा देता है। और माया ये देखकर आनंद को बचाने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि आनंद ये सब कुछ नाटक कर रहा है। लेकिन इसके बाद माया आनंद से कन्फ्यूज करती है कि वो भी उसे प्यार करती है और फिर आनंद माया को यहाँ से लेकर चला जाता है। और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले थे, इसीलिए वो दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसी दौरान माया आनंद के साथ कुछ प्रैंक्स करती है। दरअसल आनंद ने माया को बहुत ही तंग किया था और इसीलिए अब माया उसके साथ ऐसा करती है। पहले तो एक दिन माया आनंद को कहती है कि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है और आनंद जब उसे सिखाने की कोशिश करता है तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। और बाद में ये पता चलता है कि माया को हॉर्स राइडिंग आती है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। इसके बाद एक दिन माया और आनंद बाहर गए थे और माया आनंद को कहती है कि उसे कार चलानी नहीं आती है और आनंद को लगता है कि माया फिर से उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन माया उसे ही यकीन दिलाने में कामयाब होती है कि उसे सचमुच कार चलानी नहीं आती है। और उसके बाद जब आनंद माया को कार चलाना सिखा रहा था उस वक्त माया जानबूझकर कार को बहुत फास्ट कर देती है और बीच सड़क में से बहुत ही स्पीड से उस कार को लेकर जाती है। और फिर से आनंद को पता चलता है कि माया उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद माया और आनंद की शादी का वक्त आता है और शादी से एक दिन पहले आनंद ने एक पार्टी रखा था और उस पार्टी में आनंद और माया एक साथ एक गाना भी गाते हैं। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद माया और आनंद एक पूल के पास बैठे हुए थे और माया आनंद से कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि कैसे इंसान मछलियों की तरह पानी में तैरते हैं। और वो ये भी कहती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। और ये बात सुनकर आनंद को लगता है कि माया उसके साथ मजाक कर रही है और वो इस बात को अब सीरियसली नहीं लेती और वो जबरदस्ती माया को पूल में फेंक देता है। माया आनंद को कह रही थी कि उसे सचमुच स्विमिंग नहीं आती है लेकिन आनंद उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद आनंद कुछ काम के लिए बाहर से थोड़ी देर के लिए जाता है और उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वो जब लौटता है तो वो देखता है कि माया की डेड बॉडी स्विमिंग पूल के अंदर पड़ी हुई है और ये बात देखकर आनंद बहुत ही शॉक हो जाता है और माया की मौत के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है और वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। आनंद की डायरी पढ़ने के बाद तन्वीर को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और उसने आनंद के साथ जैसा बर्ताव किया था उसके लिए वो आनंद से जाकर माफ़ी मांगती है और तन्वीर धीरे धीरे आनंद से दोस्ती करती है। इसके बाद तन्वीर आनंद का ध्यान रखने लगती है और तन्वीर और सुनील दोनों मिलकर कैसे आनंद को ठीक किया जाए इसका प्लान बनाते हैं। और इसके बाद वो दोनों आनंद को कभी कभी बाहर लेकर जाते थे। आनंद और माया के साथ हुए कुछ इंसिडेंट्स को वो लोग दोबारा आनंद के सामने दोहराते हैं जिससे कि आनंद को माया की बात याद आए और ऐसा करने से आनंद को अपनी पुरानी बातें धीरे धीरे याद भी आती है। इसके बाद एक दिन तन्वी और सुनील दोनों आनंद को एक जंगल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर तन्वीर वही गाना गाती है जो कि आनंद और माया एक साथ गाया करते थे। और इसके बाद धीरे धीरे आनंद को माया याद आती है
और फिर वो उसे ढूंढने के लिए भागने लगता है और एक पेड़ से टकरा कर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में वापस लेकर आया जाता है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो सुनील देखता है कि आनंद पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वो सुनील को भी पहचान लेता है। इसके बाद सुनील आनंद को कहता है कि वो जल्द ही उसके घर वालों को कॉल कर यहाँ पर बुला लेगा ताकि वो आनंद को यहाँ से लेकर जाए। तन्वी भी आनंद को नॉर्मल देखकर खुश होती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि आनंद उसे नहीं पहचान रहा था तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी धीरे धीरे आनंद से प्यार करने लगे थे। और सुनील तन्वी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को इतनी सीरियसली ना ले, लेकिन तन्वी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद आनंद तन्वी से मिलने के लिए आता है और ये पता चलता है कि आनंद को तन्वी याद है और आनंद तन्वी के प्यार को भी एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद ये पता चलता है कि तन्वी की शादी पहले से ही करण नाम के एक दूसरे लड़के के साथ तय हो चुकी है। इसके बाद एक दिन जिस गार्ड को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था उसी गार्ड से डॉक्टर खुराना को तन्वी और आनंद के बारे में पता चलता है और वो उन दोनों के इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए और ऊपर से आनंद के ऊपर एक मर्डर का केस भी चल रहा है तो वो एक क्रिमिनल के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ करण भी अब यहाँ पर आ जाता है और बहुत जल्द तन्वी और करण की शादी की तैयारियाँ भी शुरू होती है। सुनील और तन्वी दोनों ही डॉक्टर खुराना को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन दोनों की बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद जब आनंद के भैया उसे यहाँ से लेने के लिए आते हैं तब डॉक्टर खुराना उन्हें कहते हैं कि आनंद पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, उसे अभी भी इलाज की ज़रूरत है। और आनंद इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे पता था कि डॉक्टर खुराना जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी और तन्वी के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन आनंद यहाँ से निकलना चाहता है और कोर्ट में उसके खिलाफ जो केस चल रहा है वो अपने ऊपर लगे उस इल्ज़ाम को हटाना चाहता है। लेकिन डॉक्टर खुराना आनंद को यहाँ से जाने नहीं देते और इस बात से आनंद काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो डॉक्टर खुराना और बाकी गार्ड्स पर हाथ उठाता है। और इसी बात से डॉक्टर खुराना ये साबित करते हैं कि आनंद अभी भी मेंटली अनस्टेबल है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ तन्वी सुनील के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन तन्वी के जाने से पहले करण को उसके और आनंद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो भी तन्वी को यहाँ से जाने में उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ जब रात को सुनील आनंद को यहाँ से निकलने के लिए आता है तो वो देखता है कि आनंद एक लाश की तरह लेटा पड़ा हुआ है और सुनील को ये समझ में आता है कि डॉक्टर खुराना ने अपने स्वार्थ के लिए आनंद को लोबोटोमाइज कर दिया है। और इस हॉस्पिटल में एक और लोबोटोमाइज किया हुआ पेशेंट है और सुनील नहीं चाहते थे कि आनंद भी एक ऐसी ज़िंदगी जी जहाँ पर वो सब कुछ महसूस तो कर सकता है लेकिन ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही चल सकता है और सारी ज़िंदगी ऐसे रहने से अच्छा है कि वो इस दुनिया से चला जाए। और सुनील ऐसा ही करता है और वो एक पिल्लो लेकर आनंद के मुंह पे रखता है और उसकी सांस रोककर उसे मार डालता है। उसके बाद देखा जाता है सुनील डॉक्टर खुराना के चेंबर में उनसे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि उसने डॉक्टर खुराना के प्रति अपनी वफादारी को निभाया है और उसने आनंद को जान से मार दिया। ये बात सुनकर डॉक्टर खुराना हैरान हो जाते हैं और सुनील कहता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए और इसीलिए सुनील ने ऐसा किया। और फिर देखा जाता है कि तन्वी भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो सुनील की बातें सुन लेती है और तन्वी आनंद की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और उसके बाद देखा जाता है कि तन्वी अब खुद भी एक मेंटल पेशेंट है और उसका नंबर भी 36 है और उसे एक नर्स व्हीलचेयर में लेकर जा रही थी। और दूर से डॉक्टर खुराना तन्वी को देखते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। और आखिरकार डॉक्टर खुराना को ये समझ में आता है कि उनकी गलतियों की वजह से आज उनकी खुद की बेटी ही इस मेंटल असाइलम की एक पेशेंट बन चुकी है।
और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।